मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक ली। बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने में कांग्रेस असफल रही है, प्रदेश में किसान आंदोलन असफल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मंत्री इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह शांति है। किसान कानून पर भ्रम फैलाने वाले सफल नहीं होंगे। ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है, जिससे यहां पर्यटन बढ़ेगा। इस दौरान कैबिनेट में और कई भी फैसले लिए गए। गांधी मेडिकल कॉलेज में 2000 विस्तार वाले नए भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। महापौर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नगर पालिका विधि विधेयक 2020 का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सड़कों की मरम्मत के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने के प्रस्ताव के समर्थन के साथ रिनोगेशन के बाद टैक्स वसूला जाएगा, जिससे 107 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के नए प्रावधान का प्रस्ताव दिया जाएगा। आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। हाथ ठेला और फुटपाथ पर उद्योग करने वालों को भी उचित मुआवजा राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय झील सुरक्षा अधिनियम के तहत शिवपुरी की झीलों का संरक्षण करोड़ों की लागत से किया जाएगा। शिवपुरी के चिकित्सा विद्यालय में 300 बिस्तर का काम किया जाएगा। इसके साथ ही गांधी चिकित्सा विद्यालय में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए कई कार्य किए जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।